न्यूट्रिशन इन फंजाई, पेज नंबर 114। All fungi lack chlorophyll and are heterotrophs, obtaining carbon and energy from organic matter. They obtain their food by direct absorption from the immediate environment and are thus called absorptive heterotrophs. यहाँ heading बना लें, number 1, absorptive heterotrophs. Fungi के अंदर क्योंकि chlorophyll नहीं होता और ये heterotrophic mode of nutrition है, इसका यानी अपनी खुराक खुद नहीं बनाएगी बल्कि पहले से बनी हुई खुराक को एब्जॉर्प्शन के ज़रिए राइजोइड्स के थ्रू एब्जॉर्ब करेगी, लिहाजा इसको एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। तो यहाँ एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स का हेडिंग बना लें। आगे हेडिंग बनाइए थर्ड लाइन पे, टाइप्स ऑफ फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, यानी फंजाई की मुख्तलिफ इकसाम न्यूट्रिशन की बेस पे, खुराक हासिल करने के तरीके की बेस पे। तो पहली टाइप है सेप्रोट्रॉफ्स। मोस्ट फंजाई आर सेप्रोट्रॉफ्स और सेप्रोब्स या डिकम्पोजर्स दैट ऑब्टेन देयर फूड एनर्जी कार्बन एंड नाइट्रोजन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो अपनी खुराक डेड ऑर्गेनिक मैटर से लें। तो फंजाई जो है इसकी पहली टाइप है सेप्रोट्रॉफिक फंजाई, वो फंजाई जो अपनी खुराक डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेगी। दे सीक्रेट आउट डाइजेस्टिव एंजाइम्स विद डाइजेस्ट डेड मैटर एंड द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दस प्रोड्यूस्ड आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द फंगस। तो इसके ऐसी फंजाई के अंदर, सेप्रोट्रॉफिक फंजाई के अंदर ख़ास किस्म के एंजाइम होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं। सेप्रोबिक फंजाई एंकर टू द सबस्ट्रेट बाय मॉडिफाइड हाइफी। सबस्ट्रेट कहते हैं सतह को। तो जो सेप्रोबिक फंजाई है ये अपने आप को होल्ड किए रखती है, गाढ़े रखती है सबस्ट्रेटम के ऊपर, किस तरह से, थ्रू स्पेशल हाइफी जिसको राइजोइड्स कहा जाता है। रूट लाइक स्ट्रक्चर, यानी रूट नहीं होती, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसको राइजोइड्स बोलेंगे, जिसके ज़रिए ये सबस्ट्रेटम पे अटैच होगी। फंजाई आर द प्रिंसिपल डिकम्पोजर्स ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन। तो फंजाई जो है ये किसकी डिकम्पोजिशन करेगी, लिग्निन और सेलुलोज की। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट सेल वॉल, मोस्ट बैक्टीरिया कैन नॉट ब्रेक डैम। अमूमन बैक्टीरिया जो है ये सेलुलोज की ब्रेक डाउन नहीं करते, लेकिन फंजाई जो है ये सेलुलोज की और लिग्निन की ब्रेक डाउन कर देता है। एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ फास्ट ग्रोइंग हाइफी प्रोवाइड्स इनॉर्मस सरफेस फॉर एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्योंकि एक्सटेंसिव मीन बेतहाशा, शदीद किस्म का, यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइफी जो है इसकी बहुत जल्दी ग्रो कर जाती हैं। तो ये इन्वायरमेंट के ऊपर, सबस्टेटम के ऊपर फैलती चली जाती हैं ताकि अपनी खुराक वहाँ से एब्जॉर्प्शन के ज़रिए हासिल करें। सेप्रोबिक फंजाई अलॉन्ग विद बैक्टीरिया आर द मेजर डिकम्पोजर्स ऑफ द बायोस्फीयर। बायो मीन लाइफ, स्फीयर मीन अर्थ। तो बायोस्फीयर कहते हैं द पार्ट ऑफ यूनिवर्स वेयर लाइफ इज़ प्रेजेंट, यानी कायनात का वो हिस्सा जहाँ जिंदगी का वजूद है उसको बायोस्फीयर कहेंगे। तो फंजाई जो है ये बायोस्फीयर का मेन डिकम्पोजर है, यानी बैक्टीरिया भी एक डिकम्पोजर्स हैं और फंजाई भी। तो ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल की या डेड बॉडीज़ की डिकम्पोजिशन करते हैं, उसको तोड़ फोड़ देते हैं। Contributing to the recycling of the nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus, oxygen and hydrogen, etc. used by living things. इस तरह से जितना भी कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल है या हाइड्रोजन साइकिल है, उसकी रिसाइकिलिंग में फंजाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो पहली टाइप थी सेप्रोट्रॉफिक फंजाई, ऐसी फंजाई जो अपनी खुराक डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेगी, यानी मुर्दा चीज़ों से अपनी खुराक हासिल करेगी। नेक्स्ट है पेज नंबर 115, यानी 115, और दूसरी टाइप जो है यह है पैरासिटिक फंजाई या पैरासाइट्स। जैसा कि आपको पता है पैरासाइट्स कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज़म्स को जो अपनी खुराक जिंदा होस्ट से लेते हैं या जिंदा जानदारों से। तो कुछ फंजाई जो है ये एक्ट एज पैरासाइट्स। सम फंजाई आर पैरासाइट्स, सम आर इवन प्रीडेटर्स एंड स्टिल अदर्स आर म्यूचुअलिस्टिक। पैरासिटिक फंजाई एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द लिविंग होस्ट साइटोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ स्पेशल हाइफल टिप्स कॉल्ड हास्टोरिया। तो जो पैरासिटिक फंजाई है ये अपनी खुराक जिंदा होस्ट से किस तरह से लेगी, थ्रू हास्टोरिया। हास्टोरिया क्या है, ये स्पेशल एब्जॉर्बिंग हाइफल टिप्स हैं, यानी यूँ समझ लेंगे ये वो
ऑर्गन है जिसके ज़रिए पैरासाइट्स की पैरासिटिक फंजाई अपनी खुराक हासिल करेगी। आप पैरासाइट हास्टोरिया की डेफिनेशन लिख सकते हैं जी। हास्टोरिया आर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्बिंग हाइफल टिप्स दैट पेनिट्रेट द टिश्यू ऑफ होस्ट। हास्टोरिया क्या है? न्यूट्रिएंट एब्जॉर्बिंग हाइफल टिप्स, यानी हाइफी की बनी हुई वो टिप्स जिनका काम न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना है, और ये पेनिट्रेट अंदर चली जाएंगी होस्ट के अंदर, यानी जहाँ से फंजाई अपनी खुराक होस्ट से लेगी उसके अंदर ये पेनिट्रेट कर जाएंगे। दे मे बी ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव, तो ऐसी फंजाई ऑब्लिगेट भी हो सकती है और फैकल्टेटिव भी। ऑब्लिगेट कहते हैं मजबूर, यानी ऐसी फंजाई जो अपने होस्ट के बगैर जिंदा नहीं रहेगी, ये मर जाएगी। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कैन ग्रो ओनली ऑन देयर लिविंग होस्ट, मीन्स कि दे कैन नॉट ग्रो विदाउट देयर होस्ट। तो ऑब्लिगेट मीन मजबूर, ये पहली टाइप है, ये अपने होस्ट के सिवा जिंदा नहीं रहेंगे। दे कैन ओनली ग्रो ऑन देयर लिविंग होस्ट, विदाउट होस्ट दे मे डाई। And cannot be grown on available defined growth culture medium. Various mildews and some rust fungi are obligate parasites. ये obligate parasites की मिसालें हैं। कौन कौन सी? mildews भी फंजाई से बीमारी और rust की बीमारी भी, ये जो है obligate, इनकी फंजाई obligate parasites हैं। ये objective में आ सकते हैं। दूसरी type है facultative parasite. Facultative का मतलब है ऐसे फंजाई जो लिविंग होस्ट पे भी ग्रो कर सकती है, उस पे भी जिंदा रह सकती है, और विदाउट लिविंग होस्ट यानी आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडिया पे भी ये सर्वाइव कर लेगी। तो फैकल्टेटिव पैरासाइट कैन ग्रो पैरासिटिकली ऑन देयर होस्ट एज वेल एज बाय देमसेल्फ ऑन आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडिया, मींस कि फैकल्टेटिव पैरासिटिक फंजाई ग्रो विद और विदाउट देयर होस्ट। होस्ट होगा जब भी ये जिंदा रह लेगी, और नहीं होगा जब भी ये ग्रो कर लेगी। तो तीसरी टाइप है फंजाई की प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स का मतलब है शिकारी, यानी वो फंजाई जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को शिकार करेगी। इससे क्या मुराद है? सम फंजाई आर एक्टिव प्रीडेटर्स, दे द ओइस्टर मशरूम प्लियोरोटस ऑस्ट्रिएटस इज अ ओमनीवोरस प्रीडेटर। कुछ पुरानी बुक में कार्निवोरस था प्रीडेटर फंजाई। इट पैरालाइजेज द नेमाटोड्स दैट फीड ऑन दिस फंगस, पेनिट्रेट देम एंड एब्जॉर्ब देयर न्यूट्रिशियल कंटेंट्स प्राइमरली टू फुलफिल इट्स नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स। इट फुलफिल इट्स ग्लूकोज रिक्वायरमेंट्स बाय ब्रेकिंग द वुड। सम स्पीशीज ऑफ आर्थ्रोबोट्रायस ट्रैप सॉइल नेमाटोड्स बाय फॉर्मिंग कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग्स देयर हाइफी इनवेडिंग एंड डाइजेस्टिंग द अनलिकी विक्टम। विक्टम का मतलब है शिकार। अदर प्रीडेटर्स हैव अदर एडाप्टेशन सच एज सिक्रीशन ऑफ स्टिकी सब्सटेंसेस। स्टिकी कहते हैं चिपकने वाली, और इसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ फंजाई जो है ये शिकारी के तौर पर एक्ट करती है, ये नेमाटोड्स को शिकार कर लेती है। ये देखें, जैसे ये एक फंजाई दिखाई गई है, और इसने वाइट कलर का ये जो धागा नज़र आ रहा है ये फंगस का है, और इसने नेमाटोड या रिंग वर्म एक कीड़े को अपने अंदर ट्रैप जकड़ा हुआ है। किस तरह से जकड़ लिया कि फंजाई ने रिंग, कॉन्स्ट्रक्टिंग रिंग यानी उसको चिपकने वाली, बिल्कुल उसको अपने अंदर अटैच कर लिया, ट्रैप कर लिया, और एक रिंग सी स्ट्रक्चर बन गई है जिसकी मदद से जो वर्म है या कीड़ा है वो बाहर नहीं निकल सकता, और ये फंजाई ने उसको बिल्कुल ट्रैप कर लिया। इसके बाद फंगस जो है इसके तमाम न्यूट्रिशनल कंटेंट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर देगी, और इस तरह से फंगस को न्यूट्रिशन मिल जाएगी, और नेमाटोड या जो वर्म है कीड़ा वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, वो डेड होता चला जाएगा या वीक होता चला जाएगा, और वीक होने के नतीजे में जब उसकी तमाम बॉडी के न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो वो उसकी डेथ हो जाएगी। ये बुक में कार्निवोरस फंगस कुछ बताई गई है। ऑयस्टर्स मशरूम जो कि वुड के ऊपर लगता है, ये लाइन ऑब्जेक्टिव टाइप है, डिकम्पोजिंग वुड। नेक्स्ट फोर्थ टाइप है फंगस की म्यूचुअलिस्टिक्स। म्यूचुअलिस्टिक्स मीन के ये वो फंजाई है जिसमें दोनों पार्टनर्स को फंजाई फ़ायदा होगा। फंजाई फॉर्म टू की म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन। सिम्बियोटिक एसोसिएशन कहते हैं ऐसी एसोसिएशन जिसमें दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट हो। एसोसिएशन ऑफ बो बेनिफिट टू बोथ पार्टनर्स, यानी वो रिलेशनशिप जिसमें दोनों पार्टनर्स को फ़ायदा हो। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है? लाइकन्स और माइकोराइजा। तो पहले हम पढ़ेंगे लाइकन्स। लाइकन्स क्या हैं? दे आर म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन सर्टन फंजाई, मोस्टली एक्सकोमाइसीड्स एंड इम्परफेक्ट फंजाई एंड फ्यू बेसिडियोमाइसीड्स। अबाउट 20 आउट ऑफ 15,000 स्पीशीज ऑफ लाइकन्स एंड सर्टन
फोटोऑटोट्रॉफ्स आइदर ग्रीन एलजी और सायनोबैक्टीरियम और समटाइम्स बोथ. मोस्ट ऑफ द विजिबल पार्ट ऑफ लाइकन कंसिस्ट ऑफ फंगस एंड एल्गल कंपोनेंट्स एंड प्रेजेंट विद इन द हाइफी. तो लाइकन्स जो हैं ये फंगस और एलजी के मिलाप से बनते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि एलजी और फंजाई जब म्यूचुअलिस्टिक वे में रहना शुरू कर देती हैं जिसमें दोनों पार्टनर्स को फ़ायदा होता है. एलजी जो है वो क्योंकि फोटोसिंथेटिक है वो फंगस को खुराक देगी और फंगस जो है वो एलजी के लिए एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगी तो और उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करेगी. तो इस तरह से दोनों पार्टनर्स को फ़ायदा हो जाएगा. फंगस प्रोटेक्ट द एल्गल पार्टनर फ्रॉम सन लाइट एंड डेसिकेशन. डेसिकेशन का मतलब है खुश्की. फंगस यानी एलजी को किस तरह से बचाएगी स्ट्रॉन्ग लाइट से और खुश्की से. एंड इट सेल्फ गेट फूड थ्रू द कर्टिसी ऑफ एल्गा और एलजी की मदद से खुराक ले लेगी. आगे हेडिंग बनाए हैबिटेट 116 पेज पे. हैबिटेट का मतलब है रहने की जगह. तो लाइकन्स ग्रो कहाँ करेंगे. लाइकन्स कैन ग्रो एट सच प्लेसेस वेयर नाइदर ऑफ द कंपोनेंट्स अलोन कैन इवन अ हार्श प्लेसेस सच एज बेयर रॉक्स. बेयर मीन बैरन जमीन, यानी वो जगह जहाँ वेजिटेशन या दरख्त ना हो. लाइकन्स वेरी इन कलर शेप ओवरऑल अपेरेंस ग्रोथ फॉर्म. आगे हेडिंग बनाए रोल ऑफ लाइकन्स. दे आर इकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट एज बायो इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन. बायो इंडिकेटर का मतलब है यानी जिस जगह पॉल्यूशन होगी लाइकन्स उसको डिटेक्ट कर लेंगे और उसको अपने कलर को चेंज करके पॉल्यूशन के बारे में बताएंगे. ये लाइकन का TS बनाया गया है, CS जिसमें आप देख रहे हैं के ऊपर सोरिडिया ए सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ हैं, फंगस की लेयर है और ये सेंटर में एलजी की लेयर है. इसको लेबल करने नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लाइकन्स हैं ये जो रेड लाइंस में. तो लाइकन्स की कितनी टाइप्स हैं, तीन मेन टाइप्स हैं. क्रॉस सेक्शन ऑफ आ टिपिकल लाइकन दिखाया गया है. दूसरी लाइन में क्रस्टोज लाइकन. क्रस्ट कहते हैं हार्ड पार्ट ऑफ सॉइल को. दे आर अटैच टाइटली टू द रॉक. नंबर टू है फोलियोज लाइकन लीफ लाइक और नंबर तीन है फ्रूटिकोज ब्रांच टाइप. ये देखें ये नंबर वन दिखाई गई है, ये है क्रस्टोज लाइकन पत्थर की तरह, यानी ये क्रस्ट लाइक हैं. ये क्रस्टोज लाइकन क्रस्ट लाइक दिखाए गए हैं. क्रस्ट मीन हार्ड पार्ट ऑफ सॉइल. दूसरा है फोलियोज लाइकन. फोलियोज मीन लीफ लाइक, जैसे पत्ता होता है. और तीसरा है फ्रूटिकोज ब्रांचिज वाले. ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लें तैयार. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लाइकन्स. आपने पढ़ लिए कि तीन टाइप्स हैं, क्रस्टोज फोलियोज और फ्रूटिकोज. नेक्स्ट है माइकोराइजा. तो माइकोराइजा क्या है, ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन है बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. तो माइकोराइजा आर म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन सर्टन फंजाई एंड रूट्स ऑफ वेरियस प्लांट्स. अबाउट 95% ऑफ ऑल काइंड ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स कंटेन माइकोराइजल फंगस. द फंगल हाइफी dramatically increases the amount of soil contact and total surface area for absorption and help them direct absorption of phosphorus, zinc, copper and other nutrients from the soil into the roots. Such plants show better growth and than those without this association. The plant on the other hand supplies organic carbon to fungal hyphae. yani mycorrhiza kehte hain symbiotic association between फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. अगर आप जितने भी बड़े बड़े दरख्त हैं इनको काट के इनकी जड़ को देखें तो इनकी जड़ों के अंदर 95% तक क्या होगा, फंगस से इन्फेक्टेड होंगे. अमूमन ऐसे पौधे जो कि फैमिली लेग्यूमिनोजी को बिलोंग करते हैं या फलीदार पौधे हैं जो उनकी जड़ों में तो बेतहाशा माइकोराइजल एसोसिएशन पाई जाती है. तो इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि जो फंजाई है वो क्योंकि हेटरोट्रॉफिक है वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकती तो रूट्स जो हैं ये खुराक दे देंगी फंगस को. और फंजाई जो है ये एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन यानी जज्ब करने की सलाहियत रूट की बढ़ा देगी. ऐसे पौधे जिनमें माइकोराइजल एसोसिएशन होती है उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स को सक करने की, ज़मीन से जज्ब करने की सलाहियत डबल हो जाएगी. किस तरह से, एक तो रूट्स के ज़रिए वो पौधे अपने न्यूट्रिएंट्स को जैसे फॉस्फोरस है, जिंक है, कॉपर है, मिट्टी से एब्जॉर्ब कर लेंगे. दूसरा, अगर उनके अंदर माइकोराइजल एसोसिएशन है तो फंगस भी एब्जॉर्प्टिव हाइड्रोट्रॉप्स है तो ऐसे पौधों का या ऐसी जड़ का एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा. डबल तरीके से वो न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी से जज्ब करेंगे. नतीजा क्या होगा कि पौधे की ग्रोथ बेटर होगी, पौधा ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा. जितने ज़्यादा उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे पौधे की ग्रोथ उतनी ज़्यादा होगी.
आगे हेडिंग बना लें टाइप्स ऑफ माइकोराइजा। तो माइकोराइजा की कितनी टाइप्स हैं, ये दो टाइप्स हैं, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ माइकोराइजा, एक एंडो माइकोराइजा और दूसरा एक्टो माइकोराइजा। एंडो का मतलब है इनसाइड और एक्टो का मतलब है आउटसाइड। अगर आप देखें तो एक्टो और एंडो माइकोराइजा में क्या फ़र्क है, इधर आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो एंडो माइकोराइजा है, ये आप देखें एंडो माइकोराइजा, ये ब्लैक कलर की फंगस दिखाई गई है। एंडो माइकोराइजा में फंगस का की ये जो हाइफी है ये सेल के अंदर पेनिट्रेट कर गई है, यानी सेल के अंदर चली गई है। तो एंडो माइकोराइजा में जो फंगस हाइफी है, फंगल हाइफी है, वो सेल के अंदर इनसाइड द सेल पेनिट्रेट कर जाएगी। जबकि एक्टो माइकोराइजा में ये आप देख रहे हैं जी, दो सेल्स की दीवारों के दरमियान फंगस रहेगी, जैसा कि ये डायग्राम में क्लियर है। एक्टो माइकोराइजा में सेल टू सेल यानी सेल वॉल के साथ अटैच है, सेल के अंदर फंगस का माइसिलियम नहीं गया। तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ माइकोराइजा, एंडो माइकोराइजा एंड एक्टो माइकोराइजा। इन एंडो माइकोराइजा द फंगल हाइफी पेनिट्रेट द आउटर सेल ऑफ द प्लांट रूट, फॉर्मिंग कॉइल स्वेलिंग एंड मिन्यूट ब्रांचेज एंड ऑल्सो एक्सटेंड आउट इन टू द सराउंडिंग सॉइल। एंडो माइकोराइजा में फंगल हाइफी सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी, अंदर चली जाएगी। पेनिट्रेट का मंदर है मतलब है अंदर चले जाना। जबकि एक्टो माइकोराइजा में हाइफी सराउंड्स एंड एक्सटेंड बिटवीन द सेल, बिटवीन द सेल से मुराद है दो सेल के दरमियान में रहेगी, जैसे ये डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, सेल के अंदर नहीं जाएगी। बट डू नॉट पेनिट्रेट द सेल वॉल ऑफ द रूट, दीज आर मोस्टली फॉर्म्ड विद पाइन्स, पाइनस के दरख्तों में, फिर्स चीड़ के जो दरख्त हैं पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, उधर पाई जाती है। हाउएवर द माइसिलियम एक्सटेंड फॉर आउट इन टू द सॉइल इन बोथ काइंड ऑफ माइकोराइजा। नेक्स्ट हेडिंग बना लें एडॉप्टिव करेक्टर्स ऑफ फंजाई फॉर देयर बेड सर्वाइवल। एडॉप्टिव करेक्टर्स ऑफ फंजाई फॉर देयर सर्वाइवल, यानी फंजाई के अंदर क्या करेक्टर्स हैं जो उसको सर्वाइवल में मदद देंगे। सबसे पहले हेडिंग है हैबिटेट, फंजाई ग्रो बेस्ट इन मॉइस्ट हैबिटेट, जैसा आपको पता है कि फंजाई हमेशा नमी वाली जगह पर रहती है, एंड आर फाउंड वेदर ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट, वेयर एवर ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट। दे सर्वाइव ड्राई कंडीशन इन सम रेस्टिंग स्टेज और बाई प्रोड्यूसिंग रेसिस्टेंट स्पोर। दूसरा एडॉप्टिव करेक्टर है फॉर्मेशन ऑफ रेसिस्टेंट स्पोर, जब कंडीशन अनफेवरेबल होती हैं फॉर ग्रोथ तो फंजाई अपने आप को रेसिस्टेंट बॉडीज या स्पोर्स में कन्वर्ट कर लेती है। तीसरा है पीएच, दे कैन ऑल्सो टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ पीएच फ्रॉम 2 to 9 पे ये जिंदा रहेंगी, वाइड टेम्परेचर रेंज एंड हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जितना हाई होगा पीएच 2 to 9 होगी, टेम्परेचर भी एक फेवरेबल रेंज में होगा तो फंजाई बेस्ट ग्रो करेगी। सच एज इन कंसनट्रेटेड साल्ट एंड शुगर सोल्यूशन एज इन जैम जेलीज, फंजाई जो है ये जैम जेलीज हाईली शुगरी सोल्यूशंस पे भी ग्रो कर जाती है और हाईली सेलाइन पे भी, जिस तरह से अचार को अक्सर फफूंदी लग जाती है, फफूंदी क्या होती है ये भी फंगस ही है। दीज फीचर आल्सो हेल्प देम इन देयर सर्वाइवल ऑन लैंड, फंजाई स्टोर सरप्लस फूड, सरप्लस का मतलब है जायद एक्स्ट्रा, यूजुअली एज लिपिड ड्रॉपलेट्स और ग्लाइकोजन इन टू द माइसिलियम। ये लाइन MCQs टाइप इंपॉर्टेंट है, फंजाई अपनी खुराक को किस तरह से जो एक्स्ट्रा होगी वो लिपिड्स या ग्लाइकोजन की फॉर्म में अपने अंदर स्टोर कर लेगी। तो ये आज आपने पढ़ा न्यूट्रिशन इन फंजाई, जिसमें आपने सबसे पहले पढ़ा कि हेट्रो एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स है फंजाई, फिर आपने टाइप्स ऑफ फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे पढ़ा, चार टाइप्स हैं, नंबर 1 सेप्रोट्रॉफिक, नंबर 2 पैरासिटिक, नंबर 3 प्रेडेटर्स और नंबर 4 म्यूचुअलिस्टिक। म्यूचुअलिस्टिक में आपने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक लाइकन और दूसरा आपने पढ़ा माइकोराइजा, फिर माइकोराइजा की टाइप्स पढ़ी एंडो और एक्टिव माइकोराइजा, देन लास्ट में एडॉप्टिव करेक्टर्स ऑफ फंजाई।